सच है तो दिखेगा। देख रहे हैं न्यूज 11, आपके साथ मैं आरती सिंह और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पॉलिटिकल शो जिसका नाम है बोल जनता बोल। और आज हमारा काफिला पहुंचा है रातू रोड इलाके में। यहां की पब्लिक बहुत कुछ कहना चाहती है, बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनका मूड क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो अपने नेता के लिए, अपने जनप्रतिनिधि के लिए, अपने सांसद के लिए। मैम, सियासी दावपेच बहुत चल रहा है, लोग नेता आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। आप लोगों की समस्या, पिछले बार जब आए थे नेता जो दावे किए वो सब पूरे हुए जी? अभी क्या क्या समस्याएं? अभी समस्या है नली का है सर, पानी का है और बहुत जगह मैंने गंदगी का, ये सब का है समस्या। ये लोग ये चीज हम लोग को सफाइयत होना चाहिए। पिछले बार जो नेता चुनकर आए यहाँ पर आए होंगे, बहुत सारे आप लोगों को आश्वासन भी मिला होगा सारा काम हो जाएगा, लेकिन जैसा कि ये बोल रही हैं नली का काम अधूरा पड़ा है, गली भी ऐसा संकरा है, रोड ट्रैफिक सबका प्रॉब्लम है, अब जो आ रहे हैं उनके क्या क्या वायदे हैं? अभी तक तो कोई आए नहीं है, आएंगे तो फिर उनसे हम लोग बात करेंगे। और हम लोग का समस्या तो ये सब नाला उला जो भी है, साफ सफाई वो सब होना चाहिए, और बच्चे लोग पढ़ लिख के जो बैठे हैं उसके लिए कुछ होना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। रोजगार, रोजगार सरकार से रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ, मुख्य तो सरकार से रोजगार चाहिए ही, काहे बहुत बच्चे लोग पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, रोजगार मुख्य समस्या है। दूसरी चीज है शहर का सेवरेज ड्रेनेज बहुत दिन से, 3-4 साल से जो है सो चल रहा है काम, रोड कोड के छोड़ दिया गया है, रोड फिर उसको बनाया नहीं गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, इसका समस्या। वर्तमान में यहाँ बिजली का भी समस्या है, ऐसे कहता है लोग कि बिजली का काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन 10-10 घंटा 15-15 घंटा बिजली कटा हुआ रहता है, इसका भी बहुत बड़ा समस्या है। नाला का समस्या है, माने रोड का पानी घर में घुस रहा है, समझ गए ना, इसका भी बहुत बड़ा समस्या, इतना दिन हो गया लेकिन आज तक ले उसका समस्या का निदान नहीं हुआ। पानी घर में घुसता है, रोड का पानी घर में घुस रहा है। अभी वर्तमान में जो भी है सब सफाई वगैरह, 1 साल से जो यहाँ जो है माने सफाई का व्यवस्था नहीं हो रहा है, घर में 1-1 महीना तक कूड़ा रखा हुआ रहता, कूड़ा उठता नहीं है, समझ के नहीं ने? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह बनी हुई है बिल्कुल। तो ये जिस इलाके में आज हमें वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि साफ सफाई जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा निगम, साथ ही साथ ड्रेनेज और सीवरेज का काम जो शुरू हुआ था वो अब तक अधूरा पड़ा है और उस वजह से यहाँ के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन पानी की समस्या जो शुरू हुई है अब है लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही निगम, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मैम बताइए कि इनके अलावा जो यहाँ पे जिन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, ड्रेनेज सीवरेज और क्या कुछ है जो आप चाहती है कि जो चुनकर आए, जो सरकार बने या फिर जो पिछले बार आए थे उन्होंने वायदे किए थे, क्या पूरा हुआ और क्या नहीं हुआ जो चाहती है आप? अभी तो खैर वर्तमान में पानी की समस्या बहुत गहरा है, लेकिन आज इस इलाके में रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अगर कहीं भी हम लोग निकलते हैं तो मतलब 10 मिनट का रास्ता जो तय करना 2 घंटा लग जाता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन जिस गति से होना चाहिए वो गति से नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत हम लोग को झेलना पड़ता है ट्रैफिक। हाँ ट्रैफिक, एक मिनट, तो ट्रैफिक की जो बात हो रही है वो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ सीवरेज ड्रेनेज का जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है उसको लेकर भी लो। सर आप कुछ कह रहे हैं? अभी आप मान के चलिए अगर सुबह आप कभी आए नल में पानी आता है ना, तो पहले 10 मिनट तो काला पानी आता है, कोई जितनी नालियों का जो पानी है ना वो सब नल में रहता है, और लोग इतने आदि हो गए हैं कि वो नल खोल के पहले छोड़ते हैं आधा घंटा कि वो काला पानी सारा निकल जाए, उसके बाद भी आप सोचिए कि लोग पूजा पाठ जो करते हैं, 500 बार तो मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, तो लोग लिख लेते हैं कंप्लेन और उसके बाद में फिर कोई माई बाप नहीं है, यानी कंप्लेन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं जी। 10 बार तो मैं कंप्लेन किया, बोले ठीक है सर आपकी कंप्लेन है, हम
लो पाइपलाइन को चेक करें, दिन में जो पाइपलाइन जितनी है ना, जब प्रेशर कम होता है तो वो नालियों के बीच से पाइपलाइन गुजरती है तो वो पूरा सीवरेज से भर जाती है, और जब फिर प्रेशर से पानी छोड़ा जाता है तो वो सारा काला पानी घरों में आता है, टैंकों में आता है, और बहुत बुरी हालत में। अगर आप रोड में चले जाइए, ये पिस्का मोड़ से रातू रोड आना ना, हम लोग तो रोड छोड़ ही दिए हैं, गलियों से जाते हैं, तो ये पोजीशन है कि अगर आप रोड में, भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि वो मर जाएगा, यहाँ से आरएमटीए जाते जाते मर जाएगा, उसको उतना टाइम ना डाल्टनगंज से रांची आने में नहीं लगता है जितना टाइम पिस्का मोड़ से आरएमटीए जाने में लगता है। और लोग रोड में आप जाके देखिए, दुकान यहाँ पे है और 10-10, 20-20 फुट तक अतिक्रमण किए हुए, और बाकायदा नगर निगम वाले पैसे लेते हैं, सबसे लेते हैं, अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते हैं? आम लोग अगर एक बेल्ट नहीं पहना है तो उसको रोक लिया जाता है रोड में, लेकिन ये दुकानों का अतिक्रमण, अंधी है, गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता कि अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटाया जाए। रोड जाम का इतनी बुरी हालत से रातू रोड गुजर रहा है कि मतलब हम लोग तो भगवान से मनाते कि जितना जल्दी से जल्दी कुछ इसका हल निकाला जाए, ताकि रातू रोड को जितने भी लोग हैं उन्होंने रोड में निकलना ही है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, कितने भी लेन हो, वो लेन आके कई कब्रिस्तान वाले मेन लेन में ही मिलता है। और आप कभी भी 9 से 11 रख लीजिए, अभी 5 से 7, अभी अगर पिस्का मोड़ की तरफ आप चले जाइए तो ये पोजीशन है कि लोग डरने लग गए। मतलब हम लोग भी अगर बोलते हैं नहीं यार 2 घंटे बाद ही जाएंगे, नहीं तो अगर जाम में फंस गए तो मरने वाला काम है। यानी कि ये जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है वो ये कि पानी की क्या हालत है यहाँ पर, जो पानी सप्लाई होता है, जब यहाँ के लोग टैप ओपन करते हैं ना, अपने नल खोलते हैं, तो पहले के आधे से पौन घंटे सिर्फ काला पानी निकलता है जो कहीं से भी किसी भी इस्तेमाल के लायक नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस कदर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी कितनी गहरी। सर अभी आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई फॉगिंग नहीं, कुछ नहीं, मैं 3-3, 4-4 बाल्टियां बीच में, ट्रांसपोर्टर हूँ तो गाड़ी है जो खाली होती है ना बाल्टियां, हम लोग वो रहते 5-5, 6-6 बाल्टियां भर जाती है कचरे की, 3-4, 5 दिन बाद आते हैं, वो भी फुली होता है, वो आते हैं बस दिखावा करके, कितनी बार तो लड़ाने के जबरदस्ती रोका जाता है उनको और उसको डाला जाता है उसके बाद में भी, तब वो लोग कचरा है, लेकिन 3-4, 5 दिन उससे पहले कोई नहीं आता। 5 दिन का कचरा मिनिमम आपको अपने घर में रखना होगा और उसके बाद ही आप कुछ करें। कोई पानी का टाइम टेबल नहीं, रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे कोई मैं कभी भी दे देते हैं पानी, कभी जब पानी देंगे इतना देंगे कि वो गिरता रहता है, और कभी कभी 5-5 दिन, 6-6 दिन पानी ही नहीं आता है। यानी कि पानी की समस्या किस तरह है ये बखूबी समझा जा सकता है कि किस कदर पब्लिक में, यहाँ की पब्लिक में आक्रोश है पानी को लेकर। आप बताइए, मैं टाइम टेबल नहीं है, कभी 2 बजे रात, कभी 4 बजे सुबह, कभी 2 बजे दिन में, तो गर्मी आ रहा है, गर्मी में आदमी दोपहर को आराम करेगा कि पानी भरे। यानी सप्लाई का जो पानी भी आता है ना, उसका भी कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी पानी आ सकता है, और अगर ऐसे में कभी आंख लग गई या फिर घर में एक फैमिली नहीं है तो फिर पानी के लिए क्या बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। मैम आप बताइए, बहुत सारी समस्याएं बता रहे, सीवरेज ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी सप्लाई को लेकर दिक्कत है, बिजली सही से नहीं रहती, साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी है। सीवरेज ड्रेनेज को लेके तो सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि सीवरेज ड्रेनेज काम जो हुआ था वो 1.5 साल पहले सर का हमारे लोग साथ एग्रीमेंट हुआ था कि वो काम को पूरा कर लेंगे, लेकिन 5 साल हो गया काम पूरा नहीं हुआ। 5 साल पूरे हो गए अभी तक काम नहीं हुआ है, डेडलाइन 1.5 साल का था। जी जी, और समस्या है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की। अभी कुछ लोगों ने बताया आपको ट्रैफिक जाना यहाँ से मुझे न्यू मार्केट तो आधे घंटे समय लगता है, तो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की, इस पर सरकार का ध्यान आना चाहिए, जो हमारे सांसद जीत के आएंगे उनको दिशा इस ओर उनको आकर्षित करना होगा। और सबसे महिलाओं की समस्या, आज आए दिन देख रहे महिलाओं से चैन छीन रहा, महिला रेप हो रहा, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षित पे भी आँच आ रही है, सिर्फ देने की भी समस्या है, और एजुकेशन यहाँ पर शिक्षा संबंधी इतने कहीं भी मेडिकल कॉलेज की कमी है, और व्यवस्था चरमराई हुई है, इसीलिए शिक्षा पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ट्रैफिक की समस्या ध्यान देने की आवश्यकता है, और सीवरेज देने की समस्या। अभी बहुत लोगों ने बताया कि पानी की समस्या, क्योंकि इस बात को लेकर मैं सदन में उठाई थी, तो हमारा निगम कनेक्शन देता है, पीएचडी पानी देती है, दोनों का तालमेल का अभाव है। मैंने पीएचडी के विभाग के मंत्री से हमारी बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी समस्या मैडम, क्योंकि रात को रुका का सप्लाई 1 बजे आता है, अगर मैं रुका का सप्लाई नहीं खाली करूंगा तो कांके का सप्लाई कहाँ रखूंगा, उनकी भी परेशानी है, इसे रात को
अगर सप्लाई आता है तो देखिएगा एक बजे से लेकर तीन बजे पानी बहता है। लेकिन उसका भी तो कोई समय निर्धारित होगा ना, कोई टाइम फिक्स होगा ना। बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि कभी भी पानी सप्लाई कर दी जाती है, टाइम ही फिक्स नहीं है, क्यों? यही बात है, कभी भी पानी देती है। जो महिला काम करने जाती है अगर दिन में बाहर, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। आजकल सब तो सिग्नल फैमिली रहते हैं, अकेला रहते हैं, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं। कभी वो 12 बजे देंगे, कभी 1 बजे देंगे। तो हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी कि अगर आप रात को पानी देते हैं तो एक मैसेज पेपर के माध्यम से चला जाए कि रात को इतने बजे आज पानी खुला, तो लोग थोड़ा जाग के पानी भर लें। पब्लिक सोए रहते हैं, पानी बग आके चला जाता है और सुबह फिर मुझे पानी बंटवाना पड़ता निगम, ये तो लापरवाही है। लापरवाही इस बात की है कि अगर पानी सप्लाई भी होती है तो पानी सप्लाई के लिए कोई वक्त निर्धारित नहीं है, जब मन हुआ तब पानी सप्लाई कर दी गई। और इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन महिलाओं को होती है जो कामकाजी हैं। कामकाजी महिलाएं घर में नहीं रहती, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ऐसे में पानी कब आता है कब जाता है और तब बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। आप कुछ कह रही थी पानी को लेकर कि पानी सप्लाई सच में यहाँ पे कुछ नहीं। हाँ, है। बहुत गंदा पानी आता है। हाँ, एकदम हरा हरा पानी हो जाता है, ड्रम पर भर के रखते हैं तो अपना पाइप भी फटा हुआ है, दो जगह पाइप लीकेज है, पूरा लीकेज है, पानी पूरा बह जाता है। आप बताइए मैम, ट्रैफिक का सबसे बड़ा समस्या। हम लोग रातू रोड में रहते हैं तो यहाँ न्यू मार्केट पार करने के लिए हम लोग को 15 से 20 मिनट रुकना पड़ता है, सिर्फ ये दूरी तय करने के लिए। वो सबसे बड़ी समस्या। अगर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो डर लगता है वो टाइम से पहुंचेगा कि नहीं, दो एक घंटा पहले उसको घर से जाने बोलते हैं, अगर काके रोड में भी एग्जाम देने जा रहा है। ये एक चीज मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस इलाके से रातू रोड चौरस्ता महज आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा, आधा किलोमीटर से भी कम कहें तो, लेकिन इस दूरी को तय करने में यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ट्रैफिक का ये हाल है कि 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता है। ऐसे में ट्रैफिक कितना चरमराया हुआ है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घंटों लग जाता है, कभी कभी वहाँ जाने में घंटों लग जाता है। ट्रैफिक का तो बिल्कुल समस्या है, खास करके इस रातू रोड में, यहाँ से लेकर पिस्का मोड़ तक माने ट्रैफिक इतना जाम रहता है कि सही बोले कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आराम से जाते जाते रास्ता में ही आदमी मर जाए। आप ही कुछ कह रहे हैं। आप ट्रैफिक पुलिस जितनी है ना, चाहे आप पिस्का मोड़ वाली ले लीजिए, दुर्गा मंदिर ले लीजिए, न्यू मार्केट ले लीजिए, ये सब सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं। ये ध्यान रखते हैं किसने बेल्ट नहीं पहनी कोई, लेकिन ये ट्रैफिक को रोकते नहीं है। आप जाके दुर्गा मंदिर पर नहीं है तो कभी भी देख सकते हैं, और वो अंदर घुसा के कभी किसी से 100 किसी से 200 लेंगे, उसके बाद वो बाहर की गाड़ियों को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बेड़ों से हैं, भरनों से, या इधर से बाहर से जो आदिवासी या गरीब लोग आते हैं काम करने के लिए, तो उनका चाहे वो हेलमेट भी पहना हुआ है, उस चीज में इनका ज्यादा ध्यान है, ना कि ट्रैफिक संभालने में। जबकि वो मैं ट्रैफिक डीएसपी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि उनको ट्रैफिक संभालने के लिए रखा गया है, ना कि वहाँ वसूली करने के लिए रखा गया। अब जाके कभी भी देखिए पिचका मोड़ में 5-7 मुस्टंडे टाइप के पुलिस वाले वहाँ एनी टाइम खड़े रहते हैं और यही काम करते हैं वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि कौन लोकल को नहीं रोकेंगे। मैं बिना हेलमेट के जाऊंगा, मेरे को नहीं रोकेंगे, उनको इतनी पहचान है, लेकिन अगर कोई देखेंगे कोई आदिवासी टाइप का या कोई कमजोर टाइप का लड़का, उसको तुरंत रोकेंगे, चाहे उसने हेलमेट, उसको पूछेंगे प्रदूषण का ये है, और ट्रैफिक पूरा जाम है, उससे उसको कोई मतलब, यानी जो मेन मुद्दा है उस पे फोकस नहीं होता, बस वसूली। एक लोगों का ये आरोप है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक पुलिस जो वहाँ पर डिप्यूट रहते हैं, जो नियुक्त वहाँ पे किए जाते हैं, उनकी लापरवाही है। वो अपनी ड्यूटी से ज्यादा इस बात की मुस्तैदी दिखाते हैं कि कहाँ से वसूली हो सकती है, ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोगों का। ये तो ट्रैफिक की बात हुई, जैसा पानी को लेकर भी हुआ, और क्या कुछ व्यवस्था जो यहाँ पर सुधरनी चाहिए उसके लिए क्या कुछ चाहती हैं आपकी? आप तो नए सांसद आने वाले हैं, क्या चाहती हैं कि जो नया सांसद आए क्या कुछ करे? ऐसा कानून बने जो महिला की सुरक्षा नियमित तरीके से हो, सीवरेज की समस्या उसका भी निदान हो, पर बच्चों के जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर जाते हैं एजुकेशन के मामले, उसके लिए ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे ही पढ़े, ही एजुकेशन से अपने संबंधित रोजगार की कमी है उसकी उस पर भी व्यवस्था करनी चाहिए। और जाम के लिए सारे लोगों ने जाम पे चर्चा की, लेकिन जाम आज के लिए सबसे बड़ी समस्या है, वो बच्चे हो बूढ़े हो जवान, क्योंकि जब बच्चों का स्कूल आता है तो देखिएगा कि बच्चे जाम में 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा फंसे रहते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो जाम यहाँ 2-3 बार फ्लाईओवर पास हुआ, और वो फ्लाईओवर चूँकि धरातल पर ही रुक गया, वो बना नहीं, जब तक फ्लाईओवर नहीं बनता तो जाम की समस्या जो कि त्यों लगी रहेगी। जो हमारे अभी सांसद जीत के आएंगे उनको उनसे हम उनको उनके सामने हम लोग ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं
चाहते हैं कि वो जीत के यहाँ, और जो फ्लाई ओवर पेंडिंग का मामला है वो अभी तुरंत उनको चालू किया जाए ताकि जाम की समस्या का निदान हो। जब तक फ्लाई ओवर नहीं बनेगा जाम से पूरे रांची की जनता झेलती रहेगी, सब कहीं भी निदान नहीं हो सकता है। जी, यानी कि फ्लाईओवर की मांग यहाँ भी उठ रही है। बहुत ऐसे इलाकों में जहाँ बोल जनता बोल की टीम गई है वहां पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने है, और लोग चाहते हैं कि जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा इसका कोई निदान नहीं निकल सकता। तो सरकार को इन सारी बातों का भी ध्यान देना होगा कि पब्लिक को आखिर उनकी बुनियादी सुविधाएं चाहिए तो कैसे मिलेगी और कैसे ये सुविधाएं उन्हें उन तक पहुंचाई जाएंगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ट्रैफिक की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवरेज ड्रेनेज, क्या कहेंगे आप? मैम, ये तो समस्या समझिए कि जो लोग कह रहे हैं वो एकदम 110% सही है। हमारी एक गुजारिश है कि हमारे जो भी सांसद आए वो कम से कम एक बात का स्पेशल ध्यान रखे कि मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर साल फीस नया बढ़ाया जाता है, वो तो एफर्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से री एडमिशन वाला बोझ जो है सो प्रति स्कूल जो है सो 10,000-20,000 रुपया जो है सो वसूल रहा है। अब हम आपके माध्यम से सरकार को प्लस अपने आने वाले जो भी प्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, उनसे मेरी गुजारिश हो कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी मनमानी फीस पर रोक लगाई जाए और एक मापदंड तय किया जाए कि उनको बढ़ाना है तो किस रेशियो में बढ़ाएंगे। ये गार्जियन लोग को जो है सो न खबर दिया जाता है आना किसी को यह सूचना, यानी मनमाने रवैया जो इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये एक जो सवाल है ये सभी जगह, यानी कि इसे समझा जा सकता है कि जहां भी हमारी टीम पहुंची है ये मुद्दा जोर शोर से उठा है कि शिक्षा को लेकर जिस तरह से निजी स्कूलों का मनमाना रवैया चल रहा है उस रवैये पर सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि यहां के लोग आखिर चाहते हैं कैसा सांसद। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं आइएगा मत, देखते रहिए बोल जनता बोल। बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बोल जनता बोल, और आज हम खड़े हैं रातुरा रोड इलाके में। जैसा कि ब्रेक के पहले आपने ये जाना कि यहाँ की पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर है, साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या और सीवरेज ड्रेनेज, ये यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका निदान ये जल्द से जल्द चाहते हैं। और आइए आप जान लेते हैं कि जब लोकसभा चुनाव के लिए ये वोट डालने जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में रहेगा कि कैसा सांसद आएगा जो इनकी इन तमाम परेशानियों से इन्हें निजात दिलाएगा। पूछते हैं मैम, वोटिंग करने जाएंगी उस वक्त ये तो मन में चलेगा ना कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, तो जिसको भी वोट देंगी क्या सोचकर वोट देंगी? अच्छा सोच कर देंगे। क्या चाहेंगे? जो अच्छा करें। क्या क्या चाहिए अगर आपका सांसद चुन के आएगा तो? आप सांसद चुनेंगी तो क्या क्या चाहती हैं अपने सांसद से? क्या चाहते हैं? बाल बच्चा के नौकरी चाकरी चाहते हैं, पढ़ लिख के बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बाहर नौकरी खोजने जा रहे हैं, रांची में पढ़ के बाहर जा रहे हैं नौकरी खोजने। घर में रोजगार चाहिए, घर में रोजगार चाहिए। आप बताइए सर। हाँ बोलिए। कैसा सांसद चाहिए आपको? सांसद ऐसा चाहिए जो कि देश में जाकर, केंद्र में जाकर, मतलब देश की विकास के बारे में सोचे, अच्छी तरह सोचे, देश हमारा मजबूत हो जाए। और राज्य की जो मामला है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, देश की मामला जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानचित्र पर हमारा जो देश का गौरव बढ़ा है उसको बहाल करने के लिए मतलब मोदी जी को ही लाना है। इसलिए हमारे अपने रांची में के जो सांसद हैं बीजेपी के, संजय सेठ जी, उनको जिताना है। ठीक है, बीजे संजय सेठ को जिताना है, लेकिन रामटहल चौधरी तो बागी हो गए, वोट काट ले जाएंगे आपका? जहाँ तक बहुत देखिए, बीजेपी का जो कैडेट है वो बीजेपी को ही वोट देगा। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। बीजेपी के कैडेट है उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, आप बताइए। संजय सेठ जी को हम इसलिए वोट देंगे, पहले भी बहुत सरकार क्या कर चुके हैं पब्लिक के पक्ष में, बहुत सारी सिलाई योजना महिला लोग को दिए हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे संजय सेठ जैसा ही हम लोग को सांसद मिले, संजय सेठ जैसा सांसद। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा अदना छोटा सा कार्यकर्ता को
इतना महत्वपूर्ण पद जिम्मेवारी दी गई, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मोदी नहीं नूर है और भारत का कोई नूर है, इसलिए हम लोग को एक एक सीट पर पैनी नजर रखनी है। ठीक है, ठीक है, देखिए रिटायरमेंट तो सबको चाहिए, उनका उम्र 75-77 हो गया है तो उनको भी रिटायरमेंट चाहिए और नए लोगों को जुड़ना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी तो रिटायरमेंट चाहिए ये कहना है, संजय सेठ को मौका दिया गया है यानी चेहरा बदलना चाहिए, भले ही पार्टी तो वही है चेहरा बदला है, काम वैसे ही होंगे। अम्मा जी आप बताइए, वोट डालने जाएंगी सांसद चुनेंगी ना अपना, कैसा सांसद चाहिए आपको? संजय सेठ चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग मोदी के बहुत जरूरत है, मोदी हम लोग के बहुत सहायता करता है सब तरह से। ठीक है, मोदी लहर यहाँ अभी दिखाई दे रही है, वक्त बताएगा कि ईवीएम जब खुलेगा तब कितनी लहर किसकी है, आप बताइए। सांसद कैसा चाहिए आपको? हमने बीजेपी का है, सदस्य है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी को ही। ठीक है, आप बताइए मैम। बिल्कुल सही ये लोग कह रहे हैं, हम लोग संजय सेठ को ही चाहेंगे कि वो आए, क्योंकि वो उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया, वो उन्होंने रात्रि बाजार के माध्यम से भी महिलाओं को आगे बढ़ाया, तो उसको हम लोग भूलने नहीं है, मतलब बस हम लोग वजह है, रीजन है कि क्यों संजय सेठ को वोट देना है। महिलाओं के लिए वो कुछ आगे चलकर करेंगे, आगे भी बहुत आगे करेंगे कुछ। ठीक है मैम, आप बताइए आपके पास कोई रीजन? रीजन तो ऐसा नहीं है, लेकिन रात्रि बाजार जो लगा था उसमें बहुत महिलाओं को रोजगार मिला था और उससे बहुत महिलाओं को खुशी भी हुई थी, सभी काम करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन फिर पता नहीं किस वजह से वो बंद कर दिया गया, लेकिन सभी महिलाओं को इच्छा है कि वो फिर से शुरू कर दिया जाए। ये एक डिमांड भी है कि जो रात्रि बाजार की पहल की गई थी, खोला गया था यहाँ पर वो मार्केट, नाइट मार्केट, वो फिर से ओपन किया जाए। आप बताइए मैम, परेशानियाँ बहुत सारी हैं इस इलाके की, आप अपने मोदी को लाना है, संजय सेठ को जिताना है। ठीक है, मोदी को ही। हाँ, अच्छा मोदी को ही लाना है। सनातन धर्म का संगठन कर सकते हैं। ठीक है, संजय सेठ आप अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार के लिए सब बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि मोदी देश का विकास किए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, विदेशों में इसका चर्चा हो रही है, आज मोदी जी को विदेश में भी सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए मोदी सरकार चाहिए। इनके जैसा कोई नेता है नहीं कि जो इस देश को बचा सकता है, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारने का काम किया है, इसलिए मोदी जैसा ही नेता होना चाहिए। मोदी जैसे, ठीक है, आज मोदी जी के कारण सारे लोग मंदिर जाने लग गए हैं, जितने भी नेता थे, सोनिया जी ने मिल लगता पहले कभी देखा नहीं होगा मंदिर, या राहुल जी ने, या और इतने भक्त हो गए, वो लोग हमेशा रमजान से सब में टोपी पहन। ठीक है, तो बीजेपी की सरकार तो रही है ना सर, इतनी परेशानियां हैं, परेशानियों के बावजूद चाहिए बीजेपी सरकार, परेशानियां दूर कैसे होंगी? क्या करेंगे, 5 साल दिए ना, हम लोग खुश हैं, जो भी रहना खुश है, बहुत पहले से फर्क पड़ा, अभी देखिए नालियों को ढकने से लेके पानी कर, लेकिन समय लगेगा ना, उन लोगों ने इतना 5 साल में क्या करें, 5 साल कम से कम हम लोग को और देना चाहिए, ताकि युवा नेता लोग, अभी जैसे हमारे ये बीजेपी के हैं, तो ये लोग कैसे भी है तो करते हैं, और हमारा जो पूरा रातू रोड है ना, ये बैलेट बॉक्स एक तरफ कर देता है पूरा, इतने ज्यादा वोट डलते हैं यहाँ से बीजेपी को, और हम लोग इसीलिए यानी कि काम हुआ है, लेकिन काम पूरा करने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सांसद सुबोध कांत सहाय इस बार माने 3-4 बार यहाँ के सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन खास करके हम लोगों का विकास का कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ की पब्लिक है, पब्लिक ने पहले अपनी समस्याएं बताई, लेकिन ये कहना है यहाँ की जनता का कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जब सरकार आई, बहुमत की सरकार पिछले 5 साल से है, लेकिन ये 5 साल काफी नहीं है उन समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि और 5 साल चाहिए जो काम शुरू हुए हैं उस काम को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसे निपटाने के लिए। तो आज रातू रोड इलाके से मेरे साथ बोल जनता बोल में इतना ही, अगले दिन फिर किसी और इलाके में होगी मुलाकात, आप देखते रहिए News 11।
सच है तो दिख।